हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप अपने जो लैपटॉप या फिर पीसी का जो डिस्प्ले है उसे आप 3 डिग्रीज में घुमा सकते हो। एक है 90, 180 और 270 डिग्रीज में आप उसको घुमा सकते हो। तो जिनके पास एक लैपटॉप है और उनका फिक्स डिस्प्ले है तो उनके लिए बहुत काम का है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जाके लिखना है पाइथन रोटेट स्क्रीन मॉड्यूल, और फिर आपको पहले लिंक पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो पिप इंस्टॉल रोटेट स्क्रीन, इसको आपको कॉपी करना है या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। फिर आपको जाना है CMD या फिर अपने IDE के टर्मिनल में, इसको पेस्ट करना है और एंटर दबाना है। आप देख सकते हो ये मुझे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। आप जब इसे इंस्टॉल कर लेंगे तब आना अपने IDE में, और यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है हमारा रोटेट स्क्रीन मॉड्यूल। तो इंपोर्ट रोटेट स्क्रीन, तो अभी हमारे पास रोटेट स्क्रीन मॉड्यूल आ चुका है। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एक स्क्रीन मॉड्यूल, डिक्लेयर करेंगे स्क्रीन इज इक्वल टू रोटेट स्क्रीन डॉट गेट अंडरस्कोर प्राइमरी अंडरस्कोर डिस्प्ले, और फिर स्क्रीन डॉट रोटेट टू, और यहाँ पर हमें डिग्री लिखना है कि हमें कितने डिग्री हमें इसको मूव करना है। देखते हैं 90 डिग्रीज। तो अभी हमने प्रोग्राम पूरा लिख लिया, देख सकते हैं आप 3 लाइन में बस हमने लिखा है। अब करते हैं इसको रन। अब देख सकते हो पूरा 90 डिग्री ये घूम चुका है। अभी आप बोलोगे कि मैं इसको ये थोड़ा डरावना आपको लग सकता है पहली बार में, लेकिन अभी आप बोलोगे कि इसको मैं सीधा कैसे करूँ। तो आपको ये 90 डिग्री लिखा है, आपने कुछ भी लिखा हो यहाँ पर आपको बस 0 कर देना है, फिर से इसको रन करना है और नॉर्मल हो जाएगी आपकी स्क्रीन, आप देख सकते हो। अभी और देखते थोड़ा, जैसे 180 डिग्री, अब देख सकते हो पूरा ये अपसाइड डाउन हो चुका है। और ये बैकस्पेस करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं इसको कंट्रोल अंडू कर देता हूँ। अभी करता हूँ इसको रन, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा आपको ये डरावना लग सकता है पहली बार में, तो आप इस तरह से ही अलग अलग एंगल्स में घुमा सकते हो, जैसे कि 278। मुझे लगता है ये इसमें नहीं घूमेगा, हाँ सिर्फ 3 ही आप देख सकते हो इसमें दिखाया है। एक 0, 90, 180 और 270 डिग्री में घूम सकता है। 360 में क्यों नहीं घूमता, क्योंकि अगर ये 360 घुमाएगा तो यहाँ पर आएगा 90, फिर आएगा अपसाइड डाउन 180, फिर ये यहाँ पर आएगा 270 और फिर 360, वैसा का वैसे ही आ जाएगा। इसलिए इससे अच्छा इसने 0 ऑप्शन हमें प्रेफर करा है। तो गाइस, इस तरह से आप एक बहुत ही सिंपल सा रोटेट स्क्रीन प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।